के थ्रू कि जो मानव शरीर के हर कार्य हैं इसमें एक जीवन शक्ति है, एक शक्ति है, उसके द्वारा ही सारे कार्य चल रहे हैं। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है, कुछ बातें ऐसी हैं अगर हम उसकी सही जानकारी रखें तो उस जीवन शक्ति का सदुपयोग होगा, उस ठीक ढंग से उसका जब यूज़ होगा तो रिजल्ट भी ठीक आएगा। तो सारे विश्व की एक समस्या ये आती है कि कुछ बातें मोटी मोटी जो हैं, कब खाएं कब ना खाएं। इसके पहले के सेशन में मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बहुत सारी बातें क्लियर करी हैं, ये उसी का सेकेंड पार्ट है। तो इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है कि कब खाएं और कब ना खाएं। तो जाहिर सी बात है, भूख लगने पर ही खाता है इंसान या भूख लगने पर ही खाएं, ये तो एक कॉमन सी बात है। लेकिन ये भूख क्या है? भूख भी तो असली और नकली होती है, एक छोटी सी क्रेविंग होती है उसको भी हम भूख समझ लेते हैं। भूख माने होता है उसके पीछे की जो साइंस है, अगर उसको थोड़ा सा हम समझ जाएं तो फिर हमें ये बात बैठ जाएगी, हाँ भाई ये अप्रोप्रिएट टाइम है खाने का और ये हमारे लिए अभी नहीं है। जब तक भूख मैच्योर ना हो तब तक खाने से कोई लाभ नहीं है। अगर वो खाना पचता ना हो तो सिवाय बलगम बनेगा और अंदर गंदगी ही इकट्ठा होगी या एसिड बनेगा। तो इसलिए भूख लगने पर खाना है, और भूख की पहचान कैसे हम करें? तो उसके लिए हमारी कुदरत ने ही कुछ डकार का इंतज़ाम किया है। जब एक भोजन हम लेते हैं, एक बार खा लेते हैं, सही ढंग का भोजन अगर होता है, नहीं भी सही होता है तो भी आमाशय में ज़्यादा देर, ये तो एक बैग है, यहाँ ज़्यादा देर रखा नहीं जा सकता है, वहाँ से उसको हटाया जाता है, छोटी आंतों में ढकेला जाता है। और अगर अपने मतलब का, उनके मतलब का होता है, क्योंकि भोजन से ताकत नहीं मिलती है, भोजन से वो तत्व मिलते हैं जिनसे शरीर का मेंटेनेंस होता है ना, उसकी जो शक्ति है वो रिफ्लेक्ट होती है, और वो भी जीवन शक्ति के प्रयोग के द्वारा ही। अगर जीवनी शक्ति कम है तो हाजमा और भी कम होगा, है ना, डाइजेशन और डिले होगा, है ना। तो इसलिए क्या करना है, ये समझना है कि कब खाएं। एक भोजन अगर हमने ले लिया है, उस भोजन को लेने के बाद इस आमाशय में 4 घंटे कम से कम वो रहता है, 4 घंटे के बाद वो भोजन छोटी आंतों की तरफ ढकेला जाता है, कुछ पेस्ट बनाता है, और जब वो नीचे की ओर जाता है तो ये, चूंकि ये जो आमाशय ये बैग है ये खाली हो जाता है, तो जैसे बलून सिकुड़ता है ना, जब वो खाली होता है हवा निकल जाती है तो सिकुड़ता है, तो इसकी भी वही टेंडेंसी है, ये भी खाना के नीचे जाते ही सिकुड़ता है, और जब ये सिकुड़ता है तो वहाँ पर कुछ हवा होती है, वो हवा डकार के रूप में बाहर आती है, उसके अंदर भोजन के कोई तत्व की स्मेल नहीं होती है, वो शुद्ध डकार कही जाती है। सबसे पहली डकार जो होती है शुद्ध डकार, आज के मानव को इसका अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। मॉर्निंग के टाइम में उठने पर 1 घंटे में, 10 मिनट में, आधे घंटे में ये डकार कुदरती तौर से आती है और ये शो करती है कि अब मैं अंदर के काम करके अपने से रेस्ट कर रहा हूँ, आमाशय अभी रेस्ट सिकुड़ के रेस्ट कर रहा है। लेकिन आज का मानव खाने को ही शक्ति मानता है, बिना ज़रूरत के खाता रहता है, तो ये बलून कभी भी सिकुड़ता नहीं, यह आमाशय सिकुड़ कर आराम नहीं कर पाता है। अभी ये नीचे की सिकुड़ के बैठा तो उस समय थोड़ी सी भूख भी लगती है, भूख डकार माने शुद्ध डकार जब आती है उसको भूख डकार भी कह सकते हैं या शुद्ध डकार, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी तत्व खाने के नहीं होते। लेकिन मानव को चूंकि पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, उसी को वो रियल भूख समझ लेते हैं और उसी समय कहते हैं भूख लग गई भूख लग गई, कुछ खाने को डाल लेते हैं। अरे ये तो वही बात थी, ऑफिस से निकले, अभी अभी बाहर पहुंचे नहीं, चलो भाई लग जाओ फिर से काम में लग जाओ, अभी कुछ ओवर टाइम करना है, तो ऐसा व्यक्ति तो थका हुआ ही रहेगा। इसलिए हर समय यह मध्य प्रदेश या आमाशय एक काम करके उठा उसको रेस्ट नहीं हम देते हैं, हमको समझ नहीं है रेस्ट नहीं देने की वजह से, फिर से काम करना, बार बार काम करना पड़ता है, तो काम करते करते रेस्ट नहीं मिलने की वजह से जैसे हमारी बाहर की स्थिति होती है वैसे यहाँ के अंगों की स्थिति हो जाती है, वो कराने लगते हैं, थकने लगते हैं, फिर पेट में दर्द होता है, सूजन होता है, अल्सर बनता है,
कैंसर तक बनता है। तो उसके जिम्मेवारी किसकी? हमारी अपनी। तो वो जो पहला डकार आया जिसको शुद्ध डकार कहते हैं, उस समय अगर हमें मालूम हो एक तो बड़ी खुशी मिलेगी। अभी तो लोगों में आती नहीं है, जब हम ठीक ढंग से भोजन लेने का समय या जान जाएंगे कि भूख लगने पर खाना है और भूख क्या है, तो फिर हमें वो डकार धीरे धीरे करके वो आने लग जाएगी, क्योंकि कुदरत को हम समझ गए और समझ कर थोड़े दिनों बाद वो फिर आने लग जाएगी। लेकिन उस डकार के आते ही तुरंत जो भोजन ले लेगा तो फिर उसको फिर से वो वापस कभी आएगी नहीं। अब बस यही समझना है कि ये डकार आई है तो मेरा ये पाठ, क्योंकि तीन भाग में पाचन होता है, एक आमाशय पहला भाग फिर दूसरे भाग में जाता है, जैसे दर्जी के डिपार्टमेंट हैं, कहीं कटाई तो कहीं सिलाई तो कहीं उसके नाप कराई, उसी तरह अब वो आराम कर रहा है। अब जब आराम कर रहा है तो कम से कम 2-2.5 और मैक्सिमम 3 घंटे, अगर कोई जल्दी उठता हो सवेरे तो उसको सवेरे उठने पर, अगर उसने दिनचर्या पिछली ठीक रखी है तो आज सुबह उठने पर उसको वो डकार महसूस होगी। उस समय ज़्यादा भूख, सुबह तो वैसे भी भूख नहीं लगती है, तो उसको ज़्यादा भूख उस समय लगेगी भी नहीं, और वो दुनिया के काम अपने कर सकता है, वायु स्नान ले उस समय, अपना बाहर घूमे फिरे, योगा करे, कुछ भी करे, लेकिन चाय पी ले, पानी, प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं, लेकिन इस उद्देश्य से पानी नहीं पीना है कि अगले ने बताया है ना पानी पीना। अगर मॉर्निंग में आपको प्यास लगती है, हलक सूखता है, कई लोगों को कई बीमारियां हैं उसकी वैसे भी प्यास लगती है, तो ले ले, घुट घुट करके ले ले, लेकिन बिना वजह ना तो भोजन यहाँ पर दे और ना पानी दे, कोई भी चीज़ ना दे। इतनी सी बात अगर बुद्धि में बैठ जाए, आजीवन स्वास्थ्य का वरदान माँ प्रकृति के द्वारा मिल सकता, आजीवन, हम इसको नहीं समझते। तो 4-3 कम से कम 2-2.5 घंटे तक उस समय कुछ ना ले, अभी अमाशय सिकुड़ के आराम कर रहा है, और जो शक्तियां हैं यहाँ से हटकर अब छोटी आंतों में चली गई, वहाँ पाचन हो रहा है। 2 घंटे वहाँ भी लगते हैं, आगे भी 1-2 घंटे बड़ी आंतों में भी लगते हैं। तो एक भोजन जिसमें रोटी चावल ये सारी चीज़ें होती है, साग सब्जी जिसको प्रिंसिपल डाइट या मेन फूड कहते हैं, उसको लेने के बाद 6-7-8 मैक्सिमम 9 घंटे अगर हम ठीक ढंग से इसको समझकर चल पाएं, बहुत लाभ मिलेगा। अब हमारा आमाशय पूरी तरीके से नेक्स्ट वर्क करने के लिए रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब इसमें जो काम, अब इसमें जो भी चीज़ जाएगी उसके लिए वो तैयार है, आई एम रेडी, आमाशय ने बताया। और भूख ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी, तो जब भूख मैच्योर हो जाती है, अच्छे से जब भूख लगती है, तो हम ऐसे भी कहते क्या बना है, अरे ये ऐसा बना दिया है, ये सब नहीं भूख होने की ही निशानी है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े, कोई भी अगर ये कहता है ये तो अच्छा नहीं बना है, ये तो बेकार बना है, तो समझ जाओ उसको प्रॉपर भूख नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं होता। जब तक कि हमारी भूख मैच्योर ना हो, जब तक कि हमारे स्वाद जो है वो हमारी भूख में ही है, हंगर इज़ द बेस्ट सॉस कहा गया है। अगर ऐसा होता कि खाने पीने में स्वाद है तो बाहर जानवर हैं तरह तरह की जो गंध खाते हैं, वो भी उतने ही प्यार से खाते हैं, वो भी उतने ही लगाव से चाव से खाते हैं जैसे हम खाते हैं। तो वो एक जीवा का सिर्फ स्वाद है जो बिना भूख खाने के लिए प्रवोक करता है, इसलिए कहा जाता है कि भूख लगने पर ही खाना खाना है, और खाने को इस तरीके से बनाना है, बहुत सैडी भी नहीं हो लेकिन ऐसा भी ना हो कि उत्तेजक बहुत हो, इतना चटपटा, इतना घी तेल, इतना फ्राइड, ये सब चीज़ें तो आजकल तो ये कम हो गया है, लेकिन अगर समझदारी से चलेंगे तो काम कम पड़ेगा आमाशय को, हमारे इस पोर्शन को काम कम पड़ेगा। जब ये खुशी खुशी काम कर लेगा जो हमारा पेट है, आमाशय है, तो नीचे के डिपार्टमेंट वालों के पास भी जो काम जाएगा वो भी खुशी खुशी करेंगे, उस वहाँ भी पाचन बिल्कुल सही दिशा में होगा, और दोनों जगह के पाचन बनने के बाद, क्योंकि लीवर वगैरह से कई तरीके की चीज़ें, बाइल वगैरह गिरते हैं खाने पर, इतना बड़ा मैकेनिज्म है कि हमको तो भगवान ने कहा तुम मत सोचो, तुम बस थोड़ा सा हमें काम ठीक अंदर को दे दो, कहा ना देवताओं को खुश करो वो तुम्हें खुश करेंगे, गीता में एक श्लोक आता है, वो देवता कौन है, अंदर भी तो देवता ही बैठे हुए हैं जो भी हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे, दे रहे हैं, देने वाला देवता, मंदिर की मूर्ति को नहीं कहते देवता, कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्क हो रहा उसको उसकी बात चल रही। अब छोटी आंतों में गया वो भी खुश हो गया, चलो भाई वो शक्ति अब छोटी आंतों में है और बड़ी आंत आराम कर रही, लेकिन
अगर आपने बीच में हिंडर करा, इस बात को नहीं समझा, शुद्ध डकार को नहीं समझा, ये हमारी भूख डकार को नहीं समझा, जल्दी जल्दी कुछ जरा सी भूख लगी खाते रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि जो आंतों में गई थी शक्ति, जीवनी शक्ति जिसके बारे में आंते ही बताया, वो जीवनी शक्ति वापस फिर आंतों की, हम आंतों से हमारे आमाशय की ओर लौट आएगी, तो वहाँ का काम रुक जाएगा, क्योंकि इस आमाशय में ज़्यादा देर तक कुछ भी नहीं रखा जा सकता है, यहाँ सड़ने लगता है, इसलिए जैसे ही कुछ खाने की चीज़ आती है तो सारा डिपार्टमेंट वहीं की ओर, वो शक्तियाँ जो है वहाँ जाकर पाचन में लग जाती हैं, तो एक तरफ वो अधूरा काम रह गया, समझ रहे हैं ना इस बात को, बस इतनी सी बात है स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ने के लिए, ज़्यादा नहीं है, आज हम इंस्टिंक्ट को खो बैठे हैं, हमें समझ ही नहीं आता, ना कोई बताने वाला है, इतना खुल के कहते हैं ये खा लो ये पी लो, बस यही बताते हैं इसके पीछे के लॉजिक को, वो तो मेरे गुरु स्वामीनाथन जी ने इतनी गहराई गहराई से एक एक बात को खोला कि आज 20-25 साल के बाद भी उस बात को पकड़ कर आप लोगों को भी उसी ढंग से बताने की पूरी एक निमित्त बन के बता पा रहे हैं, ये मेरी बात नहीं, जब मैं बोलती हूँ तो वही आकर बोलते हैं, कभी भी मैं नहीं बोलती हूँ, तो आप लोगों को भी उनका ही वरदान मिल रहा है। अब नीचे जो काम बना, एक डकार तो आ गई, समझ में आ गया, नीचे के काम भी बन गए, घंटा लग गया, अब आपने 2-2.5 घंटे इसको रेस्ट देकर फिर अपना कुछ मील या कुछ भोजन, कुछ रसाहार के रूप में जैसा भी आपने समझाया, आगे की बात में चलेंगे तो बताएंगे, उसको अगर सही ढंग से ले लिया तो खाना जब अभी आधा ही गया है, पहली डकार कौन सी आई, शुद्ध डकार आ गई पहली, अभी हमने भोजन को लेते समय कुछ रोटी भी है, कुछ सब्जी भी है, कुछ खाने की चीज़ें हैं, भूख भी लग गई है, वो आधा ही अभी पेट में गया है, तो आधा जाने पर ही एक डकार फिर आती है, उसको क्या कहते हैं, तृप्ति डकार, सेटिस्फैक्ट्री, एकदम अब वो कह रहा है माशे, अरे भाई मैं तो खुश हो गया हूँ, बस संतुष्ट हो गया हूँ, अब नहीं चाहिए, लेकिन हम कहते हैं अरे खीर तो पड़ी है ना, अभी तो पड़ा है ना, अभी ये तो पड़ा है ना, अभी कैसे तू संतुष्ट हुआ, ये तो पूरा खत्म ही करना, खत्म ही करना है, अरे ये वेस्ट हो जाएगा, एक ही कवर तो कहना भैया रुक जा, हम नहीं मानते, तो वो तृप्ति डकार जब आती है ना, शुद्ध डकार के बाद तृप्ति डकार जब आती है तो उस समय भी पेट में कुछ जगह बचाई जाती है, क्योंकि कहा ही गया है दुई भाग पूरे तो अन्नम, अब समझो 2 भाग तो अन्न से पूर्ण हो गया है, एक बहुत लॉजिकली कह सकते हैं, लेकिन 2 भाग बचा हुआ है, उसके पहले डकार आ गई, तभी तो हम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, 2 भाग बचा हुआ है, अब जानना ये जो तो 2 भाग बचा है ये इसने किस लिए बचा के रखा हुआ है, पहले क्यों डकार में हमें अलार्म बजा दिया, तो इसलिए बचाया कि उसके ऊपर पाचक रस गिरेंगे, और तीसरा भाग हो गया पूरण, पाचक रस पानी उसके ऊपर गिरेगा पचने के लिए, चढ़ने, जैसे मिक्सी में आप सूखा सूखा डाल दो, पानी डालो ही मत, ऐसी स्पेस रखते हैं ना कि कुछ पानी भी हम डाल सकें, तो वो जो रखा है उसमें पानी कुछ गिरेगा पाचक रस के रूप में, अब एक भाग और बचा है, एक भाग को ऐसे ऐसे चलाने के लिए जगह चाहिए, समझ गए सारी लॉजिक, क्रमानुकुंचन स्पेस, अब लेकिन हमने दूसरे डकार का तो अलार्म सुना ही नहीं, कहा जा मेरे को तो भी और खाना, इतना अच्छा बना कल थोड़ी कोई बनेगा ये इतना अच्छा, अब फिर खाते जाते हैं, तो जब खाते जाते हैं तो हमको तीसरी डकार आती है, तीसरी डकार का क्या नाम होगा, पूरण डकार, पूरण डकार, पूरण माने अरे ये बस कर दे, अब तो पूर्ण हो चुके, पूरा भर चुका हूँ, बस कर इतने पे भी मान जा, आमाशय कह रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे पेटू लोग हैं, स्वाधु लोग हैं, वो नहीं मानते, अगला कहता है अरे एक और ले लो ना, अभी बोलेगी ना बहन, बोलेगी माता जी, अरे और ले लो ना थोड़ा सा, अरे बहुत अच्छा थोड़ा, आप पहली बार तो आए, थोड़ा सा और ले लो, तो हम भी बहकावे में आ जाते हैं, अपने आमाशय की आवाज को नहीं सुना, वो तो बता रहा है नहीं सुना, 3 डकारें तो भैया आ चुकी है, 3 डकारों में हमने सत्य संतुष्टि नहीं की, अब चौथी डकार का सब कौन, तीसरी डकार का भी सबको अनुभव है, और जो बीच वाली आती है उसका भी अनुभव है, पहली डकार को हम स्किप कर जाते हैं, नहीं समझ पाते उस चौथी डकार की वजह से, चौथी डकार आने के बाद अब तो चलने के लिए अंदर जगह नहीं रह गया, अब हम कहते भी अब बहुत, अब तो मुझे आराम करना है, बहुत खा पी लिया, तो किसी पार्टी करके आए हैं ना, अभी वो शादी ब्याह में गए थे ना, बहुत अच्छा बना था, पेट्रेट ने बहुत अच्छा बनाया भाई, सारी कहानी तो खाने पीने की है, इतनी मस्ती मार के खा पी के आए, आते ही अब पता शुरू हो गया खट्टी डकार, अब लाओ भाई इनो की गोली लाओ, इसकी गोली लाओ, डाइजेशन करने के लिए कुछ सोल्यूशन लो, कुछ करो, उपाय करने लगते हैं, अब देखो खट्टी डकार आ गई, कराने लगा अंदर, भैया मैं कैसे पाचन करूं, लेकिन बेचारा विवश है,
अंदर तो रख नहीं सकता है, जीवन तो चलाना ही चलाना है। अब खट्टी डकार आने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए कुछ और खा लेते हैं, वो भी तो वहीं जा रहा है खट्टी भाई, इनो पी लिया, कोई गोली खा ली, हाजमे के लिए कुछ, हाजमे के लिमका पी लिया, ऐसा लोग करते हैं। ये खट्टी डकार ठीक हो जाएगी, लोग एडवाइस करते हैं, अंदर की एडवाइस सुनते नहीं है। जब वो भी ले लिया उसके बाद वो क्या करे, जैसे घोड़े को चाबुक मारा जाता है ना तो वो दौड़ता है, तो वहाँ से जल्दी काम को करा जाता है, तो पाचन अंगों की जो लाइनिंग है वो खराब ना हो, जल्दी जल्दी उसके ऊपर आमाशय रस गिरते हैं और खाने को भगाया जाता है, आधा कच्चा पक्का जैसे भी ढकेला जाता है। भैया चल, जैसे होता है ना काम करने का मन नहीं, काम वाली आई, उसने कहा अरे भाई और भी करो, जल्दी जल्दी चलो कर लें, कुछ तो बड़ी सफाई से करती हैं, तो सफाई वाला काम तो हो नहीं पाया। अब जब यहाँ से ढकेला गया तो छोटी हाथों में चला गया, छोटी हाथों में ओह इतना काम मेरे ऊपर भी आया, मैं भी ढकेलते वहाँ गया, वो भी आगे ढकेलेगा, वो आगे बड़ी हाथों में गया, बड़े हाथ कहता है भैया, अरे भैया अब तो मैं डस्टबिन के अंदर ही लॉक करके रख देता हूँ, हो गई कॉन्स्टिपेशन, उसने वहीं पर रख दिया, पाचन ऊपर हुआ नहीं था, अब जाकर उसने रख दिया, तो सारी दुनिया की एक ही बीमारी है कब्जियत, है ना। सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन गो टुगेदर, जितने हम सिविलाइज हैं खूब अच्छे सुंदर लग रहे हैं पहन ओढ़ के, उतने ही अंदर के अंग करा रहे हैं, उतना ही ज्ञान मंद होता चला जा रहा है। पहले ऐसा लोग नहीं करते थे, हाथ जोड़ लेते थे, भैया मेरे भूख नहीं है, हमको नहीं अभी खाना है, जब भूख लगेगी तब खाएंगे। तो ये पहला कारण कि भूख लगने पर ही खाने को खाना है, और भूख की पहचान हमारे बड़े लोगों ने कई ग्रंथों में भी इस डकार का वर्णन किया गया है, शास्त्रों में किया गया, क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ, काफ़ी चीज़ें पढ़ती भी रहती हूँ, कहाँ से ये स्वास्थ्य की बातें मिले, गुरु ने तो बताई ही है सब जगह से जोड़ घटा के, लेकिन क्यूरियासिटी रहती कि देखें हमारे ग्रंथों ने भी क्या कहा, तो उन्होंने भी ये बात डकारों का जिक्र किया हुआ है ना, कि इसलिए एक कहावत कही गई कि वो पेटू क्या जो खा खा के है बीमार, अब हो जाए ठाके के लिए तैयार। भाई दो दिन का खाना तो पहले ही खा लिया, हम आमाशय की हालत खराब हो गया, वो बेचारा तो अब तड़प रहा है, अब तो उसके हाथ अब अंदर दुख रहे हैं, तो फिर क्या करना है, रेस्ट ही देना, सर दुख रहा है तो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, गोली भी खाते हैं फिर भी बैठे रहते हैं, आराम करते हैं। अब उसको जो थोड़ा आराम चाहिए था आमाशय को, अब ज्यादा आराम चाहिए। तो ये इतनी सुंदर चार डकारों की बात है, अगर हम समझदारी से खाएं, अपनी भूख में जोर करके खाएं, आमाशय के पहले डिपार्टमेंट को रेस्ट देना सीखें, क्योंकि शक्ति एक ही है, जब वो यहाँ काम कर रही है तो यहाँ नहीं है छोटी हाथों में, और जब छोटी हाथों में चली गई तो फिर और कहीं नहीं है, फिर वहाँ के काम को निपटाकर फिर वो बड़ी हाथों में जाती है, बिल्कुल सही ढंग से आपका पाचन होगा, सही ढंग से मल को वहाँ एक डिब्बा है एनएस के पास, वहाँ बिल्कुल रखा जाता है, और सवेरे उठते ही एक अर्ज आती है, क्योंकि उसको भी पसंद नहीं है कि मैं पहले वाले अकाउंट को रखे रहूँ, कहा ना कि ये कोई बैंक नहीं है, पिछले एरियर को क्लियर करना है, हमने तो किया नहीं। अगर ये लाइनिंग को देखें हमारे उसके अपने हाथों की, तो पता नहीं कब का नाश्ता, कब का खाना, कब का क्या, सब अनपचे रूप में लाइनिंग में पड़ा हुआ है, और जब वो सड़ता है तो फिर उसमें से बदबू उठती है, तो फिर वो गैस बनती है, हमें गैस बनती है, गैस बनती है, गैस दो ही वजहों से बनती है, एक तो खाना पड़ा हुआ है, दूसरे खाना अनपचा खाना है, जब खाना पचता नहीं है तो या तो गैस बनती है या तो बलगम बनती है, और सारी बीमारियों का जड़ कारण या राजा बस यही है और कुछ भी नहीं है। आए वहाँ पर गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, पथरी क्या हुई, जुकाम हुआ था, दबाया था, वो पत्थर अब बन गया, कैंसर बन गया, क्या बना, छोटा सा पौधा बड़ा सारा वृक्ष बन जाता है, छोटी सी बीमारी। तो अपनी आवाज को, अपनी अंदर की जो पहचान है उसको समझना है, थोड़ा सा ज्ञान होगा तो हम ट्राई कर सकते हैं। तो कब खाएं, भूख लगने पर खाएं, ये एक बात चार डकारों के द्वारा समझनी है, उसके बाद भी कब ना खाएं, कब खाएं तो थोड़ा समझ में आ गया, अब बात आती कब ना खाएं, मन अशांत हो, कहीं आप बैठे हैं कोई बात आ गई, मन अशांत, आज तो सारी दुनिया का मन अशांत ही है, जरा सी बात होती फीलिंग आ जाती है ना, दुखी हो जाते हैं, चुभने लगती है, ऐसे समय में स्किप द फूड, पहले मन को शांत करें, मन शांत हो जाए, अपने मन को खुद ही शांत करना है, ये तो अनुभव से कह रहे हैं, कोई नहीं शांत, दूसरे लोग केवल अशांत करेंगे, दूसरे लोग केवल अशांत करेंगे, और इस बात का ख्याल रखें कि मेरे द्वारा कोई अशांत ना हो, दोनों ही तकलीफ देने वाले हैं, दोनों से ही इसका हालत बुरा हो जाएगा,
क्योंकि भूखे तो कोई रह नहीं सकता है, कुछ ना कुछ आमाशय में पड़े ही रहता है, बच्चे चॉकलेट खाते हैं, तरह तरह की चीज खाते हैं, है ना, क्या खाएं वो अलग चीज है, लेकिन कब ना खाएं, मन अशांत हो तो ना खाएं, है ना। अब बुखार आ गया है, तकलीफ आ गई है, रोज का ही बुखार है तो कब तक ना खाएं। पहली बार हमें भी जब बुखार आया था तो इतना ज्ञान नहीं था, तो यही सोचा चलो दो दिन तो अभी नहीं खाया है, फिर क्रेविंग जागी, फिर कुछ खिचड़ी खा लिया, कुछ दलिया, फिर और बुखार आ गया, फिर कुछ करा, 15 दिन लग गए उस दो दिन के बुखार को, क्योंकि तब हमें नॉलेज नहीं थी। पहले जैसे ही करते थे तो हल्की चीज ही ले लेते थे, क्योंकि ये मन में भय था अगर नहीं खाएंगे तो बुखार भी नहीं ठीक होगा, कमज़ोर और हो जाएंगे, तो वो प्रोलॉन्ग होता गया। तो उस पहली बार की सीख से ये समझ में आ गया कि अगर बुखार आ जाए तो शरीर अपने एक रास्ते को और खोल देता है, माने कि अंदरूनी सफाई बिगड़ी हुई है और कुदरत उस सफाई को बनाने के लिए एक रास्ता और तैयार कर दी है। तो किसी तरीके की अगर हम दवाइयाँ लेते हैं या उपचार करते हैं, वो भी तो खा ही रहे ना, खाने का मतलब समझना है, जो चीज़ हम खा रहे हैं मुँह के द्वारा वो हमारे आमाशय में ही जा रहा है पाचन बनने के लिए। अब आमाशय में अगर आप कूड़ा करकट या ऐसी चीज भी डालेंगे तो पचाना तो उसको पड़ेगा ही, लेकिन वो मेहनत पड़ने से शक्ति दूसरे जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए समझदारी के साथ चलना है कि कब खाएं कब ना खाएं, भूख लगने पर खाएं, मन अशांत हो तो ना खाएं, बुखार की अवस्था हो तो बेटर रहेगा थोड़ा रसाहार वगैरह ले लें, और अपनी क्योंकि उस समय भूख होती नहीं, शरीर में जो कूड़ा रखा हुआ है उसको जला जला कर रोम शिखरों का रास्ता खोला जाता है, अगर ये समझ आ जाए तो हम बुखार में खुश रहेंगे, तभी सदा काल की खुशी कायम रह सकती है, जब हमको इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस आ जाएगी। और नहीं, अरे मुझे बुखार आ गया, इसको तो आया नहीं, अब दवाई लाओ दवाई लाओ दवाई, मैंने सप्रेस कर दिया बुखार को, वही बुखार जो बाहर आया था अभी वो घुस गया अंदर, लेटेंट मतलब अव्यक्त हो गया, अब बड़े रूप में आएगा। अब जब बुखार आएगा, बार बार आपने बुखार को दबाया, जुकाम को दबाया, छोटी छोटी चीज़ों को दबाया, तो क्या होगा, फिर जब आएगा तो फिर अब आ रहा है, आप कहोगे मेरे अच्छा नहीं लग रहा है, आज भारी लग रहा है, लेकिन आप देखने सुनने में ठीक लगोगे, क्यों लगते हो ठीक, देखने सुनने में ठीक लगोगे, लेकिन आपको कहना थोड़ा थोड़ा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पेट दर्द हो रहा है, क्यों, क्योंकि पहले जब बुखार आया था तो आपका बहुत तेज सर दर्द हो रहा था, बहुत पेट में दर्द, बहुत शरीर जल रहा था, अब इतना नहीं जलेगा, क्योंकि आपने कई बार उसको दबा दबा के अंदर छुपा दिया ना, डर के मारे अंदर बैठ गया, अब वो इतना नहीं जलेगा, क्यों, क्योंकि शक्तियाँ अब इतनी नहीं है, पहले तो शक्ति ने तेजी से बाहर फेंकने की कोशिश की, क्योंकि शरीर का काम ही है, अंदर की शक्ति का काम ही एक शरीर की सफाई को बनाना, अच्छी चीजों को अपनाना, अंदर अपनाना और फेंकना। अच्छा, खाना खाने के बाद कब ना खाएं, में खाना खाने के बाद अगर कहीं दौड़ी भागी करनी है, ट्रेन पकड़ना है, एग्जामिनेशन देना है, जैसे मुझे लेक्चर ही देना होता है तो मैं खा के नहीं आती हूँ कि खा के फिर लेक्चर दूँ, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं, खाने के बाद थोड़ा रेस्ट चाहिए, भागा दौड़ी में खाएंगे वो खाना ठीक से पचेगा नहीं, तो ये भी समझना है कि हम भागा दौड़ी में ना खाएं, खासकर भागा दौड़ी में हम जल्दी खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ये पता नहीं भाई बाहर मिलेगा नहीं, खा के ही चले, आज का तो ये ट्रेंड बन गया है कि लोडेड स्टमक हम काम कर रहे हैं सारे, तो बाहर के भी काम और अंदर के भी काम, दोनों के लिए शक्ति तो एक ही है, इसलिए अपनी ही शक्ति को समझना है, जो कि समझ में आती बात नहीं है, वो और भी ज़्यादा हम शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं और 12 मासी बीमार पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, है ना। तो कब खाएं कब ना खाएं, आराम की जब व्यवस्था हो तब खाएं, मन शांत हो तब खाएं, ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इसको समझ के हमें आगे चलना है। कितना टाइम हुआ, 23 मिनट हो गए, 24 मिनट हो गए, कर दूसरा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ये कॉन्सेप्ट जो 4 डकारों का बताया है।